लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा धार महू लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाए गए पूर्व सांसद सावित्री ठाकुर जनसंपर्क के लिए बदनावर पहुंची, जहां उनका भाजपा नगर मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली और जीत की रणनीति बनाई। देखिए ये रिपोर्ट। धार लोकसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी सावित्री ठाकुर ने बदनावर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कानवन एवं सादलपुर मंडल के विभिन्न गांव में मतदाताओं से जीत का आशीर्वाद लिया। सावित्री ठाकुर के जनसंपर्क के दौरान पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा महामंत्री दिलीप पाटोदिया, पूर्व विधायक खेमराज पाटीदार, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रहलाद सिंह सोलंकी, मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर सहित क्षेत्रीय भाजपा नेता साथ थे। बस सही है। वहीं इस दौरान ग्राम माकनी में वरिष्ठ भाजपा नेता इंदर सिंह पटेल के निवास पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया, जिसमें लोकसभा प्रत्याशी सावित्री ठाकुर, मंत्री दत्तीगांव, पूर्व विधायक खेमराज पाटीदार का साफा बांधकर अभिनंदन किया गया। बस सही है। बता दें कि इस दौरान सरपंच महेश मेहरा, नितेश चैन, सुभाष सेन, ब्रह्मनंद सुनील सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, बदनावर।